रोबोट्स के आने के चलते दोस्तों ये दुनिया बेहद ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुकी है। स्पेशली दोस्तों जब से एआई का इस्तेमाल रोबोट्स के अंदर मशीन्स के अंदर होना शुरू हो चुका है, तब से ना हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ऑटो मोड में चले जा चुकी है। इंडिया में भी आज के दिन आपके बहुत सारे काम दोस्तों ऑटो मोड पर चलते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पर आज के दिन बहुत सारे काम आपके रोबोट्स ही करते हुए नजर आ जाएंगे। और ये देश दोस्तों इंडिया के मुकाबले टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। इन देशों में तो दोस्तों आपको जाकर लगेगा जैसे आप 2050 में आ चुके हो। तो चलिए दोस्तों, रिपोर्ट आ चुकी है नई, जिसके अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज के दिन दुनिया की वो कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर अधिकतम वर्क आपको ऑटोमेटिक होता हुआ नजर आएगा रोबोट्स के चलते, एआई टेक्नोलॉजी के चलते। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। अभी से दोस्तों कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न तैयार रखो। नंबर 10 की अगर हम दोस्तों देश की बात करें तो यहाँ पर नाम आता है बेल्जियम और लक्समबर्ग का। ये दोनों देश दोस्तों नंबर 10 की गद्दी को अपने नाम कर पाए हैं। दोनों ही यूरोपियन कंट्रीज हैं और तरक्की में आज के दिन दोनों बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। इन देशों में तो दोस्तों आज के दिन आपको अधिकतम काम रोबोट्स के द्वारा होते हुए नजर आएंगी। एआई टेक्नोलॉजी हर शॉपिंग मॉल में आपको नजर आएगी। अधिकतम जगहों पर तो दोस्तों कोई भी कैशियर आपको देखने को मिलने नहीं वाला। हर काम ऑटोमेटिकली दोस्तों सिंकिंग के जरिए, एआई टेक्नोलॉजी के जरिए होता हुआ नज़र आ जाएगा। रिकॉर्ड्स के अनुसार, रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों यहां पर हर 10,000 अगर इम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उनके पीछे आपको दोस्तों 14 रोबोट्स भी काम करते हुए नजर आएंगे। और इस तरीके से दोस्तों 14 रोबोट्स के साथ दोस्तों ये दुनिया की 10वीं कंट्री बन जाती है जो आज के दिन बहुत ही ज़्यादा ऑटोमेटेड हो चुकी है। नंबर 9 की तरफ अगर दोस्तों हम बढ़े तो नाम आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। भले ही आज के दिन आबादी इसकी 33 करोड़ की क्यों ना हो, लेकिन ये देश भी टेक्नोलॉजी में ऑटोमेटेड के मामले में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। इससे बढ़ना भी चाहिए। इंटरनेट जैसी इतनी कमाल खोज भी दोस्तों इसी देश ने की है। अमेरिका के आज के दिन अधिकतम मॉल्स में दोस्तों आपको ज़्यादा लोग काम करते हुए नजर नहीं आएंगे और एआई टेक्नोलॉजी के चलते ही अधिकतम काम होते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टेट्स में आपको 10,000 इम्प्लॉयज के पीछे तकरीबन 228 रोबोट्स काम करते हुए नजर आ जाएंगे। इसी वजह से आज के दिन यूएस से दुनिया की 9वीं ऐसी कंट्री बन जाती है जहाँ पर ना ह्यूमंस के बिना ही अधिकतम काम ऑटोमेटेड होते हुए नजर आएंगे। नंबर 8 की अगर दोस्तों हम बात करें तो नाम आता है दोस्तों यहाँ पर ताइवान का। एक और शानदार एशियन कंट्री इस लिस्ट में जगह बना चुके हैं। इस लिस्ट में आपको अभी वैसे काफ़ी दोस्तों एशियन कंट्रीज देखने को मिलने वाली हैं। ताइवान में दोस्तों रोबोट्स आपको आज के दिन रेस्टोरेंट्स में भी काम करते हुए नज़र आएंगे। बहुत सारी शॉपिंग वाली जगह पर तो दोस्तों कोई इंसान नज़र ही नहीं आएगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी रोबोट्स का कॉम्बिनेशन वहाँ सब कुछ संभालता है। कुछ जगहों पर तो दोस्तों एआई की टेक्नोलॉजी अब बैंकों में भी यूज़ होने लगी है ताइवान में। और आज के दिन यहाँ 10,000 इम्प्लॉयज़ के पीछे आपको 234 रोबोट्स काम करते हुए नज़र आएंगे। इस तरीके से ये दुनिया की 8वीं सबसे ज़्यादा ऑटोमेटेड कंट्री बन जाती है। नंबर 7 की दोस्तों अगर हम बात करें तो नाम आता है हांगकांग का। एशिया का ये देश तरक्की में बहुत आगे बढ़ चुका है। सिर्फ 75 लाख की आबादी है। हर जगह दोस्तों मॉडर्न बिल्डिंग्स, टेक्नोलॉजी में ना बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है हांगकांग। यहाँ पर बैंकों में भी दोस्तों ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, साथ ही शॉपिंग मॉल्स में भी, और इसके अलावा अब तो दोस्तों रेस्टोरेंट्स में आपको यहाँ पर भी रोबोट्स काम करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। 10,000 इम्प्लॉयज़ के पीछे हांगकांग में आपको 242 रोबोट्स काम करते हुए नज़र आएंगे। आगे बढ़ते हुए बात दोस्तों नंबर 6 के देश की करें तो यहाँ नाम आता है डेनमार्क का। एक बार फिर से यूरोपियन कंट्रीज़ ने ना इस लिस्ट में दोस्तों जगह बनाई है डेनमार्क, जो कि बेहद ही छोटा देश है लेकिन टेक्नोलॉजी में रुतबा बहुत एडवांस है। अधिकतम काम दोस्तों आज के दिन यहाँ आपको बिना लोगों के होते हुए देखने को मिलेंगे। और लोग यहाँ सिर्फ अब जॉब करते हैं क्रिएटिव फील्ड्स में, क्योंकि दोस्तों रोबोट्स ने ना यहाँ काफ़ी सारी जॉब्स ऑलरेडी ही लोगों की छीन ली हैं। आज के दिन दोस्तों डेनमार्क में आपको 10,000 इम्प्लॉयज़ के पीछे 243 रोबोट्स वर्क करते हुए नज़र आ जाएंगे। इस तरीके से ये दुनिया की 5वीं सबसे ज़्यादा ऑटोमेटेड कंट्री है। नंबर 4 के दोस्तों अगर हम देश की बात करें तो नाम आता है यहाँ पर स्वीडन का। इस यूरोपियन कंट्री में भी दोस्तों आपको लोग
छोटे काम करते हुए कमी नज़र आएंगे। सिर्फ क्रिएटिव काम जहाँ बहुत ही ज़्यादा आपको दिमाग चलाने की ज़रूरत पड़ती है, वहीं लोग काम करते हुए नज़र आएंगे। बैंकों में भी अब तो दोस्तों स्वीडन में कुछ जगहों पर AI टेक्नोलॉजी का यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। यही वजह है कि आज के दिन 10,000 एम्प्लॉयज़ के पीछे स्वीडन में 274 रोबोट्स देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बात नंबर 4 की। अगर हम देश की करें तो नाम आता है जर्मनी का। जर्मन इंजीनियरिंग का दोस्तों रुतबा वर्ल्ड में हाई लेवल का है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इससे ज़्यादा तगड़ी लेवल की कोई कंट्री हो नहीं सकती। आज के दिन जर्मन के लोगों को ना हर चीज़ में पूरा परफेक्ट माना जाता है, और AI टेक्नोलॉजी में भी दोस्तों ये बहुत आगे जा चुका है। रोबोट्स यहाँ आपको बनते हुए नज़र आएंगे। कुछ रेस्टोरेंट्स में अब रोबोट्स दोस्तों जल्दी ही आपको नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा बैंकिंग के कामों में AI काफ़ी आगे जा चुकी है, और शॉपिंग मॉल्स में तो दोस्तों आपको यहाँ पूरी AI टेक्नोलॉजी ही नज़र आने वाली है। यही वजह है कि आज के दिन 10,000 एम्प्लॉयज़ के पीछे जर्मनी में आपको 346 रोबोट्स देखने को मिल जाएंगे। नंबर अगर 3 के देश की दोस्तों हम बात करें तो नाम आता है यहाँ पर जापान का। टेक्नोलॉजी में ये देश आज भी दुनिया में नंबर 1 पर माना जाता है। हालांकि ऑटोमेटेड के मामले में, ऑटोमेशन के मामले में इसकी रैंकिंग नीचे आते हुए 3 नंबर की हो चुकी है। रोबोट्स इस देश में आपको हर जगह आप काम करते हुए नज़र आएंगे। बैंकों में दोस्तों अब यहाँ रोबोट्स आ चुके हैं। यहाँ पर तो दोस्तों अधिकतम रेस्टोरेंट्स में वेटर का काम रोबोट करते हुए नज़र आ जाएंगे। शॉपिंग मॉल्स में तो दोस्तों कभी इंसान नज़र ही नहीं आएगा, सब कुछ AI खुद पर खुद संभालती हुई नज़र आएगी। और यहाँ आंकड़ों के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार 10,000 एम्प्लॉयज़ के पीछे 364 रोबोट्स नज़र आ जाएंगे। और इस तरीके से ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंट्री बनती है ऑटोमेशन के मामले में। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नाम आता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया का। साउथ कोरिया दोस्तों लिस्ट में जगह बना चुका है। जापान की तरह ही दोस्तों ये देश टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, और सैमसंग LG जैसी टेक्नोलॉजी कंपनी जायंट्स आपको यहीं की देखने को मिलने वाली है। साउथ कोरिया दोस्तों टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। जापान की तरह इन्होंने भी AI टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है, और आज के दिन यहाँ के रेस्टोरेंट्स में भी आपको रोबोट्स वर्क करते हुए नज़र आएंगे। और रिकॉर्ड्स के अनुसार यहाँ तो आपको 10,000 एम्प्लॉयज़ के पीछे 868 रोबोट्स नज़र आ जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों ये दुनिया की दूसरी ऐसी कंट्री बनती है जहाँ रोबोट्स की गिनती बहुत ज़्यादा है, और ऑटोमेशन के मामले में ये दुनिया की दूसरे नंबर की कंट्री बन चुकी है। नंबर 1 की दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें तो नाम आता है सिंगापुर। एशिया की ये कंट्री तरक्की में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। सिंगापुर में दोस्तों आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, और अधिकतम दोस्तों छोटे काम जहाँ पर दिमाग चलाने का कम ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर ना रोबोट्स या टेक्नोलॉजी काम कर रही है। और बड़े क्रिएटिव लेवल के कामों पर ही आज के दिन इंसान वर्क करते हुए नज़र आने वाले हैं। यही वजह है कि सिंगापुर में 10,000 एम्प्लॉयज़ के पीछे आज के दिन 918 ही आपको रोबोट्स काम करते हुए नज़र आ जाएंगे। और इस तरीके से सिंगापुर दुनिया की आज के दिन रिपोर्ट के अनुसार नंबर 1 ऑटोमेटेड कंट्री बनती है, जिसको दोस्तों इंसानों की तरह ही आज के दिन रोबोट्स भी काफ़ी ज़्यादा चला रही हैं। वैसे आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए। और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए दोस्तों डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।